नमस्कार साथियों, आज 15 जून और कैंची धाम में विशाल भंडारे का आयोजन होता है और आप देख सकते हैं मैं अभी हूँ भवाली पर। भवाली से कैंची धाम की ओर मैं जाऊँगा और अभी 10 बजा हुआ है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी श्रद्धालु वापस भी लौट चुके हैं और ये भीड़ को देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि अभी सुबह का समय है फिर भी इतनी ज़्यादा भीड़ है और दोपहर में क्या होगा। अब मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, अंदर बाबा जी के भी दर्शन कराऊंगा। भवाली से शटल सेवा लगी हुई है और एक बस आई थी, देखिए आप कितनी जल्दी भर चुकी है और सबसे पहले बस में मैं चढ़ा हूँ और लोग मेरे बाद आ रहे हैं, देखिए कितनी खुशी की बात है। रोडवेज की बस भी लगी है शटल सेवा में, आप देख सकते हैं। तल्ला निंगलाट है, यहाँ पर जो शटल सेवा है समाप्त तो होती है, इसके बाद भक्तजनों को पैदल जाना होता है कैंची धाम तक। 2 किलोमीटर की और यात्रा है। यहाँ पर पंडाल लगा हुआ है जूते चप्पल उतारने के लिए। हम लोग प्रथम गेट पर पहुँच चुके हैं बाबा जी के दर्शन के लिए और यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है मंदिर प्रशासन द्वारा और पुलिस प्रशासन द्वारा, अच्छी से भीड़ को नियंत्रण करते हुए दर्शन कराए जा रहे हैं। बाबा जी के दरबार को आप देखिए, परम पूज्य बाबा नीम करौली महाराज जी के पावन आश्रम को। बाबा जी के दर्शन के बाद यहाँ से लोग बाहर को आते हैं और यहाँ पर बाबा जी की प्रतिमाएं और उनकी उनसे जुड़ी यादें यहाँ से लोग लेकर जाते हैं। यहाँ पर भक्तजन जो है प्रसाद पा रहे हैं और आराम कर रहे हैं। ये निकासी द्वार है और हमने दर्शन करने के बाद बाबा जी के बहुत अच्छे से दर्शन हमें हुए। यहाँ पर पुलिस प्रशासन और मंदिर प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग था कि सभी भक्तजनों को बहुत अच्छे से दर्शन हो पा रहे हैं। आज की यात्रा संपन्न हुई। जय गुरुदेव, जय बाबा नीम करौली महाराज। भैया खिड़की से भी घुस रहे हैं। मेरे अनुमान के हिसाब से करीब 40 से 50 हज़ार की श्रद्धालुओं की वहाँ पर संख्या आई होगी और अभी भी आने में ही हैं श्रद्धालु और आ जा रहे होंगे। तो काफ़ी अच्छी से हमें दर्शन हुए और बाबा जी का प्रसाद हमने ग्रहण किया और एक सुखद अनुभव हमें लगा, क्योंकि 2 साल से हम लोग भी मंदिर, खैर मैं तो पिछले साल भी गया था, उसके पहले साल भी गया था, क्योंकि आपदा प्रबंधक होने के नाते हमें मौका मिल जाता था। और हमारे साथ सेवक दास जी भी जुड़े हैं जो वो भी बाबा जी के दर्शन करने के बाद अभी हम लोग देवी मंदिर भवाली पर बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। और रास्ते में कई सारे लोग अपनी अपनी ओर से सेवाएं दे रहे थे। जब मैं भवाली से कैंची धाम को गया तो मुझे शटल मिल गई थी, वो भी निःशुल्क, बोल रहे थे कि निःशुल्क हम लोग ले जा रहे हैं, कोई आपसे शुल्क नहीं लिया जाएगा। और आते समय भी हम लोग निःशुल्क ही आए, मैं तो निःशुल्क ही आया, तो बाबा जी ने व्यवस्था करा दी थी, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे। और 2-3 किलोमीटर बस हमें पैदल चलना पड़ा।